السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أورهمني बैतुल्ल्ह को लोगों के लिए सवाब और अमन व अमान की जगह बनाया तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज़ मकर कर लो हमने इब्राहीम इस और इस्माइल इसमा से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ करने वालों और एहतिकाफ़ करने वालों और रुकू सजूद करने वालों के लिए पाको साफ़ रखो इस आय से जो चंद मसाइल सबित होते हैं फ़वाद और मसाइल पहला मसला अल्लाह त बैतुल्ला को ख़ान काबा को लोगों के लिए अजर सवाब हासिल करने का ज़रिए और अमन अमान की जगह बना दी पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे तवाफ़ करेंगे इबादत करेंगे रुकु सजदा करेंगे एहतिकाफ़ करेंगे और दुनिया में कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो वहाँ एक बार पहुँच जाए वापस आने के बाद ये कहे कि अब नहीं जाऊँगा दिल भर गया नहीं लोगों के दिलों को अल्लाह ने ऐसा मायल कर दिया है कि हमेशा हमेशा उस घर की ज्यारत और तवाफ़ का शौक़ बाकी रहेगा ये इब्राहिम की दुआओं का नतीजा है और अल्लाह ताला ने जो उस घर को खसूसियत अता की उस खसूसियत का एक तरह से एक समरा या खूसियत है उसकी यह पहला मसला साबित हुआ दूसरा मसला मक्का अमीन है अल्लाह ने उसकी कसम भी खाई है अल्लाह के रसूल सल्लास फरमाते हैं से बुखारी वसिम की रवायत है कि अल्लाह ताला ने मक्का को हरम करार दिया है लोगों ने नहीं उसे हरम करार दिया है अल्लाह ने हर, हरम करार दिया किसी के लिए जायज़ नहीं है किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं जो अल्लाह और आखरत पर ईमान रखता हो कि यहाँ खून बहाए या यहाँ के दरख्तों को काटे हाँ ऐसी कोई सूरत पेश आ जाए हर्ब की जंग की दिफा की कोई दुश्मन आ जाए तलवार लेके हमला करे तो अपने बचाव में आप हमला कर सकते हैं वाला तो हरा में फ़ा तलोकम फखलु ये अल्लाह ने दिफाही शक्ल में दिया है तीसरा मसला जो इशायत से साबित होता है मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ मकाम इब्राहिम क्या है इब्राहिम जिस पत्थर पर खड़े होकर के काबे की तामीर करते थे तो उनके उस क़दमों के निशान को अल्लाह ने पसंद किया और कहा कि यहाँ दो रकत नमाज पढ़ो अब ये पत्थर काबे से बिल्कुल मुतसिल नहीं है बल्कि काबे के दरवाज़े से थोड़ा सा लेफ्ट साइड यानी काबे के मशरक़ी हिस्से में है और एक शीशे के कांच के अंदर वो पत्थर है जिसमें इब्राहिम आलाम के कदमों के निशान हैं आप देखते होंगे चारों तरफ से कांच है अंदर वो पत्थर है वहां कुछ करना नहीं है न उसे छूना है न उससे मदद मांगना है न चूमना है कुछ नहीं करना है सिर्फ़ जब नमाज़ पढ़ेंगे आपके और किबले के बीच में वो हो पत्थर होगा आपका रुख किबले की तरफ होगा लेकिन मक़ाम इब्राहिम आपके सामने होगा दाएं बाएं भी हुआ तो कोई हर्ज नहीं लेकिन मकाम इब्राहिम पर नमाज़ पढ़ना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये नमाज़ पढ़ते थे बाद ने इस नमाज़ को वाजिब करार दिया तब आप की दो रकातों को पहली रकात में सराः के बाद कुरिया कुरियालकाफिर दूसरी रकात में सूर्यफ़ात के बाद कुलवल्ला वहद पढ़ते थे ये नमाज़ें हल्की पढ़ी जाएंगी क्योंकि बड़ी भीड़ होती है चारों चारों तरफ मजमा होता है अगर आप ही लंबी नमाज पढ़ने लग जाएं तो और लोग कहाँ जाएंगे तो सूर्काफरन सुरय अखलास मख्तर सूरत हैं बहुत सारे लोग भीड़ का हिस्सा बनेंगे वहाँ लंबी नमाज पढ़ेंगे ये दुरुस्त नहीं है बल्कि इतनी सहूलत है कि अगर आप तवाफ़ करने वालों की कसरत की वजह से वहाँ जगह ना पाएं तो पूरे हरम में कहीं भी दो रकात नमाज पढ़ लें तवाफ की भीड़ के दिनों में पूरे मताफ में तवाफ करने वाले रहते हैं मकाम इब्राहिम बीच में आ जाता है तो अब तवाफ करने वालों के बीच में नमाज पढ़ेंगे कुचल दिए जाएंगे परेशान होंगे तो सहूलत से फ़ायदा उठाइए आप पूरे हरम में कहीं भी वो तवाफ़ की दो रकात पढ़ लें और भीड़ का वक्त नहीं है रात का वक्त या और आम एम हफ़्ते के बीच के दिनों में भीड़ कम होती है जैसे बुध जुमरात जुमा या जुमरात जुमा सनीचर भीड़ ज़्यादा होती है अरब कंट्री की खलीज की गल्फ की लोकल आबादी भी आ जाती है हज़ारों लाखों की तादाद में बसों से बाकी दिनों में सिर्फ बाहर के लोग रहते हैं तो भीड़ कम रहती है तो आप देखें खाली है तो मकाम इब्राहिम पर दो रकात नमाज़ पढ़ें अल्लाह ने इब्राहिम को मकाम अता किया कितना बुलंद मकाम कि उनको इमामत अता की और उनके कदमों के निशान को चुन लिया कि यह दो नमाज पढ़ी जाए बहुत बड़ा मकाम अल्लाह ने उनको अता किया चौथा जो मसला से साबित होता है इब्राहिम का बुलंद मकाम कहा कि इन्नी इमामा। मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाना चाहता हूँ इमाम बनाया तो ऐसा इमाम ऐसा इमाम कि इमामत भी अता की कदमों के निशान को भी चुन लिया पाँचवा जो मसला साबित होता है अल्लाह ने इब्राहिम और इस्माईल आसलाम से वादा वाह लियामान लिया कि मेरे घर को तुम तवाफ़ करने वालों के लिए एहतिकाफ़ करने वालों के लिए नमाजियों के लिए साफ़ सुथरा रखोगे तवाफ़ सिर्फ़ काबे का किया जाएगा बाकी किसी क़ब्र का दरगाह का तवाफ़ करना जायज़ नहीं सिर्फ़ काबे का सात चक्कर लगाया जाएगा ये एक तवाफ़ हुआ तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहिम पर दो रकात नमाज पढ़ी जाएगी एहतिकाफ़ किया जाएगा वहाँ पे, नमाजें पढ़ी जाएंगी तो साफ सफाई होनी चाहिए अल्लाह के घर की भी और सारी मस्जिदों की सफाई होनी चाहिए अल्लाह के घर की साफ सफाई इस दौर में हुकूमत हरमैन शरीफैन ने जो रिकॉर्ड कायम किया है अलाम बिनबाज रहा फरमा कि, कि कुरूने मुफिला के बाद ऐसी पुर हुकूमत नहीं मैसर हुई और हरमैन शरीफे की इतनी शानदार ख़िदमत साफ सफाई हाजियों की उम्रे वालों की ज़ायरीन की सहूलत के लिए पूरी सहूलतें और पूरी ख़िदमत मुहैया करना इस दौर का एक ख़तरनाक दुश्मन भी जब वहाँ पहुँचता है उस सरज़मीन पर तो एतराफ़ करता है कि नहीं सऊदी हुकूमत ने हरमैन शरीफान की जो ख़िदमत अंजाम दी है वाकई वो मिसाली है वो अपनी मिसाल आप है अल्लाह ने पैमान इब्राहिम और इस्माइल इसमाईम्सम से लिया उनके बाद ये सिलसिला चलता रहा बीच में मुख्तलिफ अदवार आए अल्लाह के रसूल सल वसम ने फते मक् के बाद सारी चीज़ों को मरतब किया और जब मक्का फ़तह हो गया तो आन बान शान से वहाँ पर सारी चीजें कायम हुई इस दौर में हुकूमत खादबुलहरम शरीफ हर लिहाज से शुक्रिया के मुस्तिक पाँचवा छठा जो मसला ऐसा से साबित होता है इब्राहिम और इसमाइलम की फजीलत अल्लाह जिस पर अतमाद करता है उसी को इमामत देता है उसी को किसी काम का हुक्म देता है अपने घर की तमीर का हुक्म दिया सफ़ाई सुथराई का हुक्म दिया इमामत इमाम की बहुत बड़ी फजीलत इब्राहिम और इस्माइल आसलम की है सातवां मसला तवाफ़ की फजीलत तहरा बैतफिन तवाफ़ एक अजीम अमल है हज और उमरे का और हज का भी रुकन है उम्र का भी रुकन है बगैर तवाफ के ना हज होगा ना उम्र होगा और नफरी तवाफ आप कीजिए अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं कि तवाफ़ के हर क़दम पर एक लिख लिचकी जाती है एक गुना माफ होता है भीड़ में अगर आप तवाफ़ के लिए पहुँचे और लंबी भीड़ है ऊपर से तवाफ करना हो तो जहर सी बहुत थक जाएंगे लेकिन अजर भी बढ़ जाएगा तो तवाफ़ की फजीलत तवाफ काबा की फजीलत आठवां मसला अल्लाह के घर की सफाई सुथराई मस्जिद हराम की सफाई सुथराई उसके बाद मस्जिद नबवी मस्जिद अक्सा और दुनिया की सारी मस्जिदें जहाँ भी मसाजिद हैं उनकी सफाई सुथराई ज़रूरी है अपनी सबसे बड़ी और अजीम मस्जिद की सफ़ाई के हुक्म दे करके पूरी दुनिया को सबक दिया कि मसाजिद साफ़ सुथरी होनी चाहिए सफ़ाई इंतहाई ज़रूरी चीज़ है सफाई दो तरह की है मसाजिद को मशरकिन की गंदगी से भी साफ़ किया जाए काबे का तवाफ कोई मुश्रिक न कर सके आप मना मक्का के बाद मसाजिद को कचरे से गर्दोबार से महफूज रखा जाए तो सफाई सुथराई इंतहाई जरूरी चीज़ है नौवा मसला, मसला अल्लाह के घर की सफाई करने वाला भी साफ सुथरा रहे जैसे आप तवाफ़ कर रहे हैं ना तो आपके अंदर भी सफाई होनी चाहिए वजू की हालत में हो जिस तरह नमाज में वजू टूट गया तो वजू करके नमाज़ दोहरानी पड़ती उसी तरह काबे का तवाफ़ कर रहे हैं तो बावजू होना चाहिए वजू टूट गया तो वापस आकर वज़ू करके आप तवाफ़ अपना दोहराइए ने लिखा कि जो तवाफ़ जहाँ से टूटा है वजू उस चक्कर को फिर से शुरू करें बाज़िल ने कहा कि नहीं पूरा तवाफ शुरू करें बाज़ ने इसकी भी इजाज़त दी कि वज़ू के बगैर मुकम्मल कर लें लेकिन दुरुस्त तो यही है कि आदमी का तवाफ़ का जो चक्कर जहाँ से वज़ू टूटा है तो वज़ू करके तवाफ़ को मुकम्मल करे और बगैर वज़ू के तवाफ़ न करे दसवा मसला एतिकाफ़ की फजीलत अल्लाह की कीबत के लिए अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए एतिकाफ़ की तलीम अल्लाह ने अहद खलील से दी कि एक मुसलमान जब मस्जिद में एतिकाफ करता है तो दुनिया से कट जाता है उसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाता है तो एहतिकाफ एक अज़ीम इबादत है जो सिर्फ़ मसाजिद से जुड़ी है मस्जिद में ही एहतिकाफ किया जाएगा ग्यारहवा मसला जो इस आयत से साबित होता है कि मसाजिद को हमेशा साफ सुथरा रखा जाए और गंदगी से दूर रखा जाए और मसाजिद दावत तरबियत इबादत तकरब्ला तमाम कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं बारहवें और आखिरी मसला रुकू सजदे की खसूस फजीलत चूँकि तवाफ़ हज और उम्र का रुकन है एतकाफ़ मस्तिल इबादत है रुकू सजदा नमाज का रुकन है तो यहाँ कहा कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए अहतकाफ़ करने वालों के लिए रुकू सजदा करने वालों के लिए यानि नमाजियों के लिए पाको साफ़ रखो तो नमाज के अरकान में रुकु सजदा की खसूसियत इसलिए बयान की गई कि यह रुकन है और आदमी अल्लाह के लिए अपना जिसम झुकाता है अपना अपनी कमर झुकाता है अपनी पेशानी झुकाता है तो नमाज में रुकु सजदा को रुकनीत के हसूल के साथ साथ एक ख़ास मकाम हासिल है इसीलिए आप फरमाते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं सजदा सात अजा पर करूँ वो कैसे पेशानी दोनों हाथ दोनों घुटने और दोनों पैर पेशानी नाक जिसम के उस हिस्से में शुमार होगी तो इस तरह से सात आजा पर सजदा किया जाएगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह त हमें अपने मसाजिद को आबाद करने की तोफीक़ बख्शे मसाजिद की साफ सफ़ाई की तोफ़ी बख्शे आज कुफ़्र के इस माहौल में सबसे ख़तरनाक नज़र हमारी मसाजिद पर है अल्लाह हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए और हमें उनको आबाद करने की तोफ़ी बख्शे आमीन व सल नबी महम्मद वाल वसाबीन नाजरन कराम सराबकर की आयत नंबर एक सौ पच्चीस की तफसीर के बाद हम आपकी खिदमत में 126 की तफसीर के साथ अनकरीब हाजिर होंगे आप इंतज़ार कीजिए जब तक के लिए इजाज़त दीजिए जजाकुमुल्लाह खैर वसलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू